हमारे पास है फिनोल परक्लेट, इसको हम लोग देखेंगे कि एसिड में डालने पे कौन सा कलर देता है और बेस में डालने पे कौन सा, और वाटर में अगर हम इसको डालते हैं तो कौन सा कलर देता है। सबसे पहले वाटर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज ट्यूब में हम लोग पहले वाटर लेते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिनोल परक्लेट डाल करके देखते हैं कि कौन सा कलर ये देता है। ओके, फिनोल परक्लेट हम इसमें थोड़ा डालते हैं। फिनोल परक्लेट डालने पे क्या है, कोई कलर नहीं दे रहा है, यानी कि ये कलरलेस रह रहा है। लेकिन इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, एसिड को एसिड की मात्रा इसमें डाल देते हैं, एसिड डालेंगे तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ओके, इसको डालने पे देखिए एसिड में कौन सा कलर देता है, क्योंकि एसिड डालने पे भी एसिडिक सोल्यूशन हो गया लेकिन कोई कलर नहीं देगा, कलरलेस रह रहा है, यानी कि फिनोल परक्लेट वाटर में भी कोई कलर नहीं देगा, यानी कोई वस्तु अगर न्यूट्रल है तो भी कोई कलर नहीं देगा, एसिडिक नेचर का है तो भी कोई कलर नहीं देगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम लोग बेस डाल करके चेक करते हैं। पहले वाटर चलो बेस ही डाल देते हैं। बेस के तौर पे हम लोग ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको ले लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेने के बाद इसको थोड़ा डिल्यूट कर लेते हैं पानी डालकर थोड़ा सा। ओके, अब इसमें फिनोल परक्लेट डाल के देखते हैं कि बेस में ये कौन सा कलर देता है। ये क्या हो रहा है, कौन सा कलर हो गया, पिंक कलर हो गया ना। ओके, यानी कि ये पता चला कि जो फिनोल परक्लेट होता है बेसिक नेचर में जाने पे ये पिंक कलर देता है और एसिडिक नेचर में कोई अपना जो प्रभाव नहीं दिखाता है और न्यूट्रल में भी कोई प्रभाव नहीं दिखाता, यानी सिर्फ ये बेसिक नेचर में प्रभाव दिखाता है।